हम पहुंचे हैं जी गांव सुल्तानपुर, जिला हिसार, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये बाबा केदारनाथ जी का डेरा है। और यहां पे जो महाराज जी हैं संतोष, बाबा संतोष नाथ जी, वो सुबह 4 बजे जलधारा की तपस्या करते हैं, और हम आपको जलधारा की तपस्या भी दिखाएंगे, और जहाँ पे तपस्या करते हैं हम आपको वो भी जगह दिखाएंगे। हाँ जी, भरे हैं, शाम को भरे जाते हैं और सुबह तक बिल्कुल बर्फ जाती है, बर्फ जम जाती है, और हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे। हाँ, जहाँ पे महाराज जी सुबह 4 बजे तपस्या करते हैं, ये वो जगह है। महाराज जी सुबह यहाँ पे आसन लगाते हैं, और जो ये मटका है इसके अंदर नीचे छोटा सा सुराख है, इसके अंदर पानी डाला जाता है, और महाराज जी नीचे बैठते हैं, और कम से कम भी ये तपस्या 1.25 घंटा चलती है, हम आपको दिखाएंगे। सुबह के 4 बज चुके हैं, और आप देख रहे हैं महाराज जी जो बाबा संतोष नाथ जी है, वो आज 41 दिन की तपस्या, लगातार 41 दिन से जो तपस्या कर रहे हैं वो आज संपूर्ण हो गई। आप देख रहे हैं महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, और पानी इतना ठंडा है, बिल्कुल बर्फ जैसा पानी है। आप देखते हैं बर्फ के ऊपर से भाफें उठती हैं, इसके अंदर पानी के अंदर से ठीक इसी तरह भाफें उठ रही हैं, हम आपको दिखाएंगे, और पूरी 1.25 घंटा ये तपस्या चलेगी, हम आपको दिखाएंगे, और देखते रहें आप, हम आपको पूरी की पूरी वीडियो दिखाएंगे। और जब महाराज जी यहाँ से उठेंगे या उसके बाद क्या क्या करेंगे वो सारी क्रिया हम आपको दिखाएंगे, देखते रहें। इतनी तकड़ी ठंड है, और ठंड के अंदर आप हाथ भी नहीं धो सकते, और महाराज जी इतने ठंडे पानी में एक ये 108 मटके कल शाम को भरे गए थे, 1.25 घंटा तक ये तपस्या चली थी, और जो ये छोटा सा सुराख है मटके अंदर को, इसके अंदर को जलधारा चलती है, और अब महाराज जी की जो तपस्या है वो पूरी होने वाली है, हम आपको दिखाएंगे पूरा का पूरा दृश्य, देखते रहिए। 1.25 घंटा के करीब हमें हो गई है यहाँ पे खड़े हुए, और पानी के अंदर से आप देख रहे हैं कैसे वाफें उठ रही है, बिल्कुल ठंडा पानी है, चुटकी आती है, हाथ भी नहीं धोए जाते हैं, हम फोन पकड़े हुए हैं, फोन भी बिल्कुल हाथ में से छूटने को है, हाथ को इतनी ठंड लगी हुई है। आप देखते रहिए पूरी की पूरी वीडियो दिखाएंगे हम आपको, और अब महाराज जी की जो तपस्या है वो पूरी हो चुकी है। अब जो गाँव ये देखिए, महाराज जी धरती माता को नमन करते हुए, जो ग्राम के मुख्य मुख्य गणमान्य व्यक्ति हैं वो सारे यहाँ पे खड़े हैं, देखते रहे। और अब जो जो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं वो महाराज जी को तपस्या से उठाते हुए देखते रहे तस्वीरों में, महाराज जी तपस्या से उठे हैं, और पीछे पूरी रिपोर्ट देखते रहे। काल का महामाई की जय हो, द्रव सिद्धों की जय हो, द्रव गढ़ देव देवताओं की जय हो, गांव नगर बस्ती खेड़े की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, धरती माता की जय हो, सिद्ध बाबा श्री देवनाथ जी महाराज की जय हो, सिद्ध बाबा श्री अमृतनाथ जी महाराज की जय हो, सिद्ध बाबा श्री छत्रनाथ जी महाराज की जय हो, सिद्ध बाबा श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज की जय हो, सिद्ध बाबा श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय हो, सिद्ध बाबा श्री बालकनाथ जी महाराज की जय हो, सिद्ध बाबा श्री आकाशनाथ जी महाराज की जय हो, सिद्ध बाबा श्री ब्रह्मनाथ जी महाराज की जय हो। तपस्या के बाद महाराज जी जो धुना है धुने पे गए, और जो उनके भक्त हैं वो उनको सम्मानित करते हुए देख रहे हैं आप, जो महाराज जी ने इनको माला पहनाई है, और भी भक्त इनको सम्मानित कर रहे हैं, देखते रहे तस्वीरों में। और इसके बाद महाराज जी क्या करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, पूरी पूरी तस्वीरें देखते रहे। महाराज जी अभी धुने पे बैठे हैं, और ये देखिए इसके बाद जो महाराज जी पूजा करेंगे, जहाँ पूजा स्थल है अंदर ब्राह्मण बैठा है, पूजा करवाएंगे, देखते रहिए आप तस्वीरों में, पूजा कर रहे हैं महाराज जी। और पूजा करने के बाद फिर हवन पर जाएंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, देखते रहिए। आप देख रहे हैं उनका कार्यक्रम, और हवन का जब कार्यक्रम पूरा हो जाएगा हम महाराज जी से बात भी करेंगे, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, देखते रहें।
हवन का कार्यक्रम पूरा होने के बाद हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे, महाराज जी से बात भी कराएंगे। ये हवन भी कम से कम एक डेढ़ घंटा चला आपने सुबह महाराज जी की जो जलधारा की तपस्या थी वो देखी है, उसके बाद बाबा जी धोने पे गए हैं या अंदर जो पूजा पाठ किया और हवन की आप तस्वीरें देखी हैं। अब महाराज जी हमारे बीच में हैं, महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार महाराज जी, पहले को हमारे दर्शकों को आपका शुभ नाम बताएंगे। महाराज जी, आप जो ये जलधारा की तपस्या कर रहे थे, इतनी ठंड है और इतने कड़ाके की ठंड में हाथ धोना भी सुबह मुश्किल है, आप तो मुंह भी नहीं धोते, तो आप इतनी ठंड में ये तपस्या कैसे कर लेते हो, इसका तो कोई राज होगा? उसका राज मेरे गुरु की और मेरे गुरु गोरखनाथ जी और ये जो प्रेम देख रहे हो आप, ये मातृशक्ति है, ये भगत लोग हैं और यही मेरी शक्ति है। तो महाराज जी, आपकी जलधारा की मतलब कितने तपस्या होगी आपको? मैंने 15 साल हो गए जी लगातार 15 साल हो गए। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप जो तपस्या करते हैं, चाहे अग्नि तपस्या है चाहे जलधारा की तपस्या है, तो आप ये किस लिए करते हैं, मतलब आप परमात्मा से ऐसा क्या चाहते हैं कि आप ये तपस्या करते हैं? अपनी तो ये इच्छा भाई, मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ हर चीज की मान ले वृद्धि हो, उनका कल्याण हो, सुख शांति के लिए, और जहाँ जहाँ तक मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, मैं सब के लिए यही प्रार्थना करूँ, वह सब सुख शांति से रहें, बस मेरी यही तमन्ना। महाराज जी, डेयरी में गाय कितनी है और ये मंदिर लगभग कितना पुराना होगा? ये डेरा कम से कम 750-800 साल पुराना डेरा है। गौ माता इसमें 35-40 गौ माता रखते हैं, 50 भी हो जाए बहुत बढ़िया महाराज। और भी हमारे बीच में जो संत खड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा योगी कृष्ण।
आप कौन सा आपने जो ये सारा की तपस्या गुरु जी की देखी है और भी साधुओं की देखी होगी, क्या ठंड नहीं लगती इसमें? और आप भी कुछ तो राज जानते होंगे गुरु जी का, कि मतलब आप बता देंगे कि मतलब इसमें ठंड नहीं लगती और हम ऐसा कर लेते हैं। अभी बाबा जी ने बताया जब भक्तों का प्यार है और आप लोगों का प्यार है तो क्या ठंड लगेगी। ठीक है, गुरु का आशीर्वाद है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो महाराज जी के गुरुजी हैं वो यहाँ पे आए हैं और महाराज जी उनको सम्मान करते हुए देखते रहे आप तस्वीरों में जो महाराज जी के गुरुजी हैं वो यहाँ पे आए हैं महाराज जी चरण स्पर्श करते हुए। देख रहे हैं तस्वीरों में जो बाबा सुमेरनाथ जी हैं इनके गुरुजी को बाबा संतोष जी को कंबल डालते हुए माला पहनाते हुए सम्मानित करते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बाबा संतोष नाथ जी को चरण स्पर्श करते हुए आदेश करते हुए आप देख रहे हैं तस्वीरों में बाबा सुमेरनाथ जी सिसा डेरा से हैं। सारे के सारे महाराज जी से आशीर्वाद लेने हुए, जितने भी महाराज जी के शिष्य हैं वो सारे के सारे महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं और जो इनके भगत हैं वो यहाँ पे खड़े हैं वो भी इनके साथ आएंगे एक बार गुरु जी के। हाँ, जो यहाँ डेरा में सेवा करते हैं जो भगत हैं वो भी गुरु जी के पास खड़े हैं, चरणों में बैठे हैं। आप देख रहे हैं सारे के सारे जो यहाँ 41 दिन महाराज जी की जो तपस्या चली है इसमें पूर्ण सहयोग बिल्कुल दिल से भावना से महाराज जी का पूरा साथ देते हुए जो ये पूरी की पूरी टीम है आपके सामने है, देख रहे तस्वीरों आपके सामने पूरी की पूरी टीम ये जितने भी भगत हैं 41 दिन इन्होंने महाराज जी की सेवा की है। महाराज जी को चाहे गर्म पानी की जरूरत थी या ठंडे पानी की जरूरत थी या किसी भी चीज़ की जरूरत थी आदेश पाते ही ये सारे के सारे जितने भी भगत हैं तुरंत अपने काम पे लग जाते थे, बिल्कुल मन से दिल से लग जाते थे। आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो छोटी छोटी कन्याएं हैं पहले भंडारा छोटी छोटी जो कन्याएं हैं इनको प्रसाद ग्रहण कराया गया और उसके बाद फिर भंडारे की शुरुआत की गई। देखते रहे तस्वीरों में हम आपको ये देखिए जो भंडारा शुरू हो चुका है और जो गांव के लोग हैं ये भंडारा दिन भर चलेगा, हजारों की संख्या में लोग आएंगे। इसमें अभी शुरुआत हुई है इसकी। मैं कृष्ण आर्य एडवांस भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।